रुको रुको। अरे चाचा मरना है क्या? अगर तुम लोगों को नहीं मरना है यहाँ से आगे मत जाना। कहते हैं वहां राक्षस हैं। चाचा कहीं वो राक्षस आप तो नहीं? चुप करो यार, कोई सन की बूढ़ा लगता है। वैसे भी गांव के लोग ऐसी मनगढ़ंत कहानियों पे बहुत विश्वास करते हैं, है ना? चलो चलो, चलो, चलो। बाय बाय। रुको, मेरी बात मान लो। जिंदा नहीं लौटोगे। क्या पागल आदमी था। अरे 1994 में राक्षस की बात कर रहा था। ए, क्या कर रहा है तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ? मैं क्या कर रहा हूँ? जो कर रही है यही कर रही है। तू कहना क्या चाहता है कि ये तेरे साथ फ्लर्ट कर रही है? वैसे कम ऑन यार, हम यहाँ बस डेट पर आए हैं। वैसे भी से बात कर रहे हो तुम, इतना क्या इशू बना रहे हो? देखिए मत कर, वो कबाब टेस्टी नहीं लग रहे और तेरे दोस्त में कोई स्वाद नहीं है, भूख तो लगी। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना नहीं करना है। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ? गांव वाले सही बोल रहे थे काका, इन पर किसी आदमखोर शेर ने हमला किए जो इंसानों को मार के खा जाता है। और हमारे गांव के पास जो जंगल है ना, वहीं पर ऐसे शेर रहते हैं। शेर नहीं, राक्षस। राक्षस? चार लाशें सामने पड़ी हैं, फिर भी सबूत चाहिए। काका क्या बोल रहे हैं आप? जहां राम होंगे वहां रावण तो होगा ही। तूने रावण के बारे में सुना है? हाँ। रावण इस दुनिया का सबसे बड़ा राक्षस था। लेकिन वो राक्षस अभी भी हमारे बीच में रहते हैं क्या? इसके लिए 7 लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये राक्षस जब से दुनिया बनी है तभी से हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में ये 7 लोग हैं। सबके बीच में है पृथ्वी लोक, धरती के नीचे 3 लोक और धरती के ऊपर 3 लोक। पृथ्वी लोक के ऊपर है स्वर्ग लोक जहां पुण्य आत्माएं विराजती हैं, या यूं कहें कि स्वर्ग लोक वैकुंठ का दूसरा नाम है। उसके ऊपर है बादलों में लहराता परी लोक जहां परियां और फरिश्ते रहते हैं, और उसके ऊपर है देवलोक जहां देवताओं के राजा इंद्र, सभी देवी देवता, गंधर्व और अप्सराएं विराजित हैं। इन सब के बीच में है पृथ्वी लोक। कहते हैं धरती कर्मों का लेखा जोखा है, जो इंसान अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और जो बुरे काम करता है उसे नर्क की आग में जलना होता है। वो पृथ्वी लोक के नीचे है ये नर्क लोक जहां दानव बुरी आत्माओं के साए भटकते रहते हैं। और उसके नीचे है नागलोक जहां वासुकी, शंखपाद, शेषनाग, शंखचूड़ और महापद्म जैसे नाग और उनके वंशज रहते हैं। और सबसे नीचे और इन सारे लोक से
महरूम, यह है जहन्नुम। जहन्नुम पद से बदतर, खौफ को चीरता हुआ कहर, धधकती आग, चारों तरफ खौलता हुआ लावा। वहां रहते हैं वो कौन काका? वो इतने खूबसूरत हैं कि किसी को भी मोहित कर ले, इतने मायावी होते हैं सबको अपने वश में कर ले, इतने बलवान, इतने शक्तिशाली हैं कि पर्वत को उठा लें, वक्त का रुख बदल दे। वो है राक्षस। ये राक्षस शापित होते हैं। देवताओं ने राक्षसों को श्राप दिया था कि अनंत काल तक जहन्नुम में रहेंगे, और वो अभी भी वहीं तड़प रहे हैं। किंतु उसमें से कुछ राक्षस ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहने में कामयाब हो गए, और वो अभी भी हमारे बीच में हैं। लेकिन अगर वो हमारे बीच में होते तो अब तक सारे इंसानों को मार के खा नहीं चुके होते? नहीं, सारे राक्षस बुरे नहीं होते। एक राक्षस था जिसे अच्छाई और बुराई का फर्क पता था। उसने कभी इंसानों का खून नहीं पिया। वो था बालका। बहुत वर्ष पहले भारत के मंडला गांव के पीछे विंध्यावनी के घने जंगलों में बालका भगवान शिव का घोर तप कर रहा था। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव इंसान, परी, नाग, राक्षस किसी में भेदभाव नहीं करते। वो तो अपने भक्तों की भक्ति और उनके जब तप की शक्ति में विश्वास करते हैं। जैसे रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने लिए अमरता का वरदान प्राप्त कर लिया था, वैसे ही बालका भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने लिए असी अस्त्र पाना चाहता था। यदि असी अस्त्र से मिल जाता तो वो सातों लोकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। लेकिन बालका को असी अस्त्र क्यों चाहिए था? देवताओं की दिव्य शक्ति को पाने के लिए करोड़ों साल पहले राक्षसों को उनकी शैतानियत और लालसा के कारण जहन्नुम में रहने का श्राप मिला था। यदि बालका ये असी अस्त्र पा जाता तो सारे राक्षस पाप मुक्त और श्राप मुक्त हो जाते, उनके लिए धरती के दरवाजे खुल जाते। फिर धरती तो क्या, वो किसी भी लोक में अपनी इच्छा से प्रवेश कर पाते। इसीलिए बालका दिन रात ये घोर तप कर रहा था। लेकिन हर राक्षस तो ये नहीं चाहता था ना। कुछ राक्षस अपनी शैतानी शक्तियों से ही खुश थे, क्योंकि बुरी शक्तियों में भी कम ताकत नहीं होती। क्या हुआ? मैंने कुछ देखा, तुम्हारे वो दांत। पहले आ गए यार। कौन हो तुम? चलो तुम्हें मारने वाला हूं तो बता ही देता हूं। क्यों, इस दुनिया में बहुत से जानवर हैं। लोगों को लगता है कि इंसानों को सिर्फ जानवर ही खाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जानवरों के साथ साथ इंसानों को हम भी खाते हैं। दिखते इंसानों जैसे हैं, पर हम हैं राक्षस। ओह माय गॉड। मैम, आपके हस्बैंड आपकी राह देख रहे होंगे, हम घर जाइए। आपको ऐसे लड़के से संबंध नहीं करना चाहिए। पर वो तो राक्षस है ना। चूंकि मैं भी एक राक्षस हूं। ये थे बालका के बेटे। दोनों में बहुत फर्क था। एक अपनी शैतानी शक्तियों में खुश था और दूसरा अपने पिता की तरह बनना चाहता था। मैं तुझे उसे कुछ नहीं करने दूंगा। तू रोकेगा मुझे? हमारे खानदान का शरीर। मेरे भाई, आजकल ना तू राक्षसों से ज्यादा इंसानों जैसा लग रहा है। Help me. बालका के दो नहीं तीन बेटे थे। एक ऐसा जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाए। उसकी सोच बिल्कुल बालका की तरह थी।
और तीनों भाइयों में ये था सबसे शक्तिशाली। ये तू क्या कर रहा है? आ गया फिर से इसे बचाने। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इसने तुझे क्यों रोका। हाँ, हम राक्षस हैं और क्यों ना खाए हम इंसानों को। हमारे बाबा राक्षसों के उद्धारों के लिए इतना घोर तप करे और तू इंसानों को खाएगा? तुझे समझ में नहीं आती बात? तू मुझे बता के नहीं आया और यहाँ पे अकेला खुद आ गया इसको मारने के लिए? ये उसके लिए, ये तू दोबारा ऐसी हरकत ना करे, ये उसके लिए है। हमारे बाबा की चार औलादें, तीन बेटे एक बेटी। अगर तू बाबा के खिलाफ जाएगा तो उनका एक बेटा कम हो जाएगा। नहीं भाई, भाई भाई छोड़ दो उसे। तू हमेशा इसी का साथ देगा ना? वहां बाबा, वहां बाबा हम राक्षसों को जहन्नम से निकालने के लिए घोर तपस्या करें ताकि असी अस्त्र मिल जाए। पर तू, तुझे सच में लगता है कि वो देवता हम राक्षसों को अपना अधिकार पाने देंगे? कभी नहीं होगा ऐसा। वैसे आपने मुझे बहुत मारा भाई। बाबा चाहते हैं कि सारे राक्षसों को जहन्नम से मुक्ति मिल जाए क्योंकि इन्हें इनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ आजादी मिलेगी और बाबा के इस नेक इरादे के बीच में मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अगर हमारे बाबा को अस्त्र मिल गया तो हम तो इंसानों को कभी खा ही नहीं पाएंगे। अरे अपने सगे भाई को तो इन्होंने छोड़ा नहीं, मैं तो फिर भी इनकी सौतेली बहन हूँ। अगर मैंने इंसानों को खाने की कोशिश भी की, ये लोग तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। वैसे भी बाबा को अगर अस्त्र मिल भी गया तो क्या फायदा? वो राक्षसों को जहन्नम से निकाल के धरती पे ले आएंगे अच्छे इंसान बन के रहने के लिए। क्या होगा उससे? इंसानी दुनिया में कमजोर इंसान बन के रहने से तो अच्छा है कि हम निडर शैतान बन के रहे इस दुनिया में। तो क्या उस राक्षस को असी अस्त्र मिला और क्या उसकी तपस्या पूरी हुई काका? यही यही डर तो सातों लोकों में फैला हुआ था। क्या होगा अगर उस राक्षस को असी अस्त्र मिल गया तो? क्या होगा अगर सारे राक्षस जहन्नुम छोड़कर धरती के ऊपर आ गए तो? और सबसे बड़ा डर था उन्हें धरती, स्वर्गलोक और देवलोक के बीच में बसे परीलोक के निवासी, भगवान के प्रिय और राक्षसों के सबसे बड़े दुश्मन परी और फरिश्ते। जहां राक्षसों को जहन्नुम मिला, वहीं परियों को सिर्फ भगवान का प्यार। चाहे वो इंद्रदेव हों या बाकी देव, परियों को था उनका आशीर्वाद। डरावना संदेश लेकर आई हूँ। राक्षस बालिका की तपस्या पूर्ण होने वाली है और उसे असी अस्त्र मिलने वाला है। क्या? अगर बालिका को असी अस्त्र मिल गया फिर राक्षस किसी भी लोक पे अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। और विजय प्राप्त करने के बाद पता है ना वो क्या करेंगे? सातों लोगों का अस्तित्व मिटा देंगे, पूरे ब्रह्मांड में उन्हीं का ही शासन चलेगा। फिर राक्षस किसी भी लोक पे अपना विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे? उनकी तपस्या ही भंग कर देंगे। चलो। नहीं, तुम दोनों नहीं जाओगी, वो जाएगी। परी माँ, राजपरी का विवाह होने वाला है फरिश्ते से, आप उन्हें राक्षसों के पास कैसे भेज सकती हैं? उस राक्षस की तपस्या ही भंग करनी है। देवलोक से किसी अप्सरा को ही बुला लीजिए। राक्षसों को मारने का कर्तव्य परियों का है। तो आप हम में से किसी एक को भेज दीजिए। लेकिन राजपरी को नहीं, वो आपकी उत्तराधिकारी है और परीलोक की होने वाली रानी है। अंधेरे को मारने के लिए खूबसूरती नहीं, रोशनी चाहिए। और सबसे ज्यादा वो केवल एक में ही है। आपने मुझे बुलाया माँ? तुम बहुत जल्द परीलोक की रानी बन जाओगी, लेकिन रानी बनने का मतलब है पहले अपने कर्तव्य को निभाना। हक जताना बहुत आसान होता है, लेकिन कर्तव्य निभाना बहुत मुश्किल। जाओ राजकुमारी देवलेखा,
धरती पे जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। और फिर राजपरी को उनका कर्तव्य निभाने के लिए धरती पर भेज दिया गया। उसके बाद वो दोनों भाई जो एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, किससे पता था कि उनकी भी किस्मत बदलने वाली थी। हमें हर साल इस मेले में आना पड़ता है। क्यों भाई लोग? क्योंकि बहन तुम्हें अच्छे से पता है कि कुछ साल पहले हमारे बाबा ने भगवान शिव की श्रद्धा में इस मेले की परंपरा शुरू की थी और हमें इस परंपरा को निभाना। वैसे इतना भी बुरा नहीं है, अभी हम यहाँ आ चुके हैं तो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। क्यों? कभी कभी तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है ना। कैसा लगता है? तू तो इंसान बन गया है रे। लगता है अश्वथ को प्यार हो गया है। और जब किसी राक्षस को सच्चा प्यार होता है तो आग भी अपने आप जल उठती है, क्योंकि ये कंबख्त प्यार ही तो है जिसकी रोशनी अंधेरे को भी मिटा सकती है। और फिर वो वक्त आ गया जब अश्वथ ने परी से अपने दिल की बात कह दी। तुमसे प्यार हो गया। क्या हुआ, तुम कुछ सोच रही हो? तो मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया? परी गलत है, मुझे लगता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। क्या क्या गलत है? तुम ये सब क्यों सोच रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। हे जहन्नुम की रानी, मुझे पता चल गया ये लड़की कौन है। कौन है ये लड़की? कोई साधारण लड़की नहीं है, ये एक परी है। और ये परी कोई साधारण परी नहीं, परी लोक की राजपरी देवलेखा है। क्या, परी रानी की बेटी? परी लोक की एक लौती उत्तराधिकारी? अब मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। प्रथम जी, अश्वथ जिससे प्यार करने लगा है वो कोई साधारण लड़की नहीं है। क्या मतलब? वो परी है। और दिखाइए ना। अश्वथ। हाँ? तेरे भाई प्रथम को तेरे प्यार से प्यार हो गया है और आज तो वो अपने प्यार का इजहार भी करने जा रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा? हाँ। खुद ही जाके देख ले। मेरे दिल में प्रथम के बारे में ये कैसे ख्याल आ रहे हैं? नहीं, मैं एक राक्षस से प्यार नहीं कर सकती। सही कहा तुमने। इश्क जितना खूबसूरत उतना ही खतरनाक, लेकिन पता नहीं लोग इश्क क्यों करते हैं। क्या मतलब? जहां मतलब होता है वहां इश्क ही कहां होता है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझसे बात नहीं करनी? मुझसे? लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ, डर लग रहा है? अरे तुम तो मुझे जानती हो कि मैं कौन और अश्वथ कौन है। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे डर लग रहा है। डरना तो जरूरी है राजपरी। क्या हुआ, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई राजपरी? और एक बात ध्यान रखना। क्या कर रहे हो ये? छोड़ो। राक्षस जब एक बार किसी को पकड़ लेते हैं ना तो जिंदगी भर नहीं छोड़ते। तुमने आज तक हम राक्षसों की मोहब्बत देखी और आज तुम गुस्सा देखोगे।
जब भी हम राक्षस किसी से प्यार करते हैं ना, तो अपने अपना काबू खो देते हैं। जब उसका कोई दिल तोड़ता है ना, तो वो बेकाबू हो जाता है। फिर वो जो करना चाहता है उसे करने से कायनात की कोई शक्ति भी रोक नहीं सकती, कोई शक्ति नहीं। आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात तुम परियों की परछाई नजर नहीं आती। नीचे देखो, देखो नीचे, पानी है, दिखाई दे रहा है? मुझे तुम्हारी कहीं परछाई नजर नहीं आ रही। क्यों? नहीं आएगी, परी हो ना। सही कहा तुमने, एक परी राक्षस से कभी प्यार कर ही नहीं सकती, कभी नहीं। पता है क्यों? तुम और हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते, कभी एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। तुम बताओ मुझे कि तुम मेरे भाई की जिंदगी में क्या कर रही हो, क्या मकसद है तुम्हारा? पर जब तक तुम अपना मकसद नहीं बताओगी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। छोड़ मुझे! क्या हुआ? मुझे पता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे खुद के भाई ने। मुझे बताओ कि सच क्या है। मेरा बालिका सदियों से तपस्या कर रहा है और उसने इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली है कि कोई भी छल कपट, दूर निकट, कोई भी छाया, कोई भी माया उसकी तपस्या को भंग नहीं कर सकती। लेकिन देव हो, परी हो या कोई इंसान, हर किसी की एक कमजोरी होती है और बालिका की कमजोरी है उसके बेटे। साम दाम दंड भेद, देहन सेहन, देहम या भ्रम, जिस किसी की भी दीवार खड़ी करनी पड़े करो, जो अपनी मर्यादा पार करनी पड़े तो वो भी करो। क्या एक परी अपनी मर्यादा पार करेगी माँ? जब कोई सिपाही अपने दुश्मन को मारता है तो वो किसी को मारता नहीं, बल्कि वो अपने देश को बचाता है। तुम्हें भी बचाना है। परीलोक और इस दुनिया का उद्धार तुम्हारे हाथों में। अगर तुम्हें किसी की जान लेनी पड़े तो लो, अगर तुम्हें जान देनी पड़े तो दो, और अगर किसी राक्षस को मोहित करके अपने प्रेम जाल में फंसाना पड़े तो फंसाओ। लेकिन एक बात याद रखना, 80 अस्त्र अगर उनके हाथ लग गया तो फिर तो सबका विनाश, सातों लोकों का सर्वनाश। बताओगी मुझे क्या हुआ है? तुम्हारे भाई ने मेरे साथ जोर जबरदस्ती। झूठ, झूठ है। अश्वत ये इंसान नहीं, परी है। झूठ, झूठ, मैंने ये लड़की बोला। मैंने अपनी आंखों से देखा था भाई, जो आपने किया। जानते थे कि मैं उसे प्यार करता हूं, उसके बावजूद आपने उसके साथ। अश्वत ये एक परी है, इसकी प्यार में तू इतना अंधा हो चुका है कि अपने भाई पे यकीन नहीं कर रहा। मैंने देखा आपको इसका हाथ पकड़ते हुए, देखा था मैंने। एक परी है। उनकी एक गलती उनसे वो एक मौका छीन सकती थी जो किस्मत से उन्हें मिला था।
तुम्हारी इस जंग ने मेरा तप भंग कर दिया। शर्म आती है मुझे। एक परी ने दोनों भाइयों के विश्वास और प्यार को तोड़ दिया। अरे मेरे बेटे मेरी सबसे बड़ी ताकत थे, लेकिन आज मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गए तुम। और प्रथम तुमसे तो यह उम्मीद नहीं थी मुझे कि तुम मुझे इतना निराश करोगे। बाबा का तप तो भंग हो गया, उन्हें असली अस्त्र भी नहीं मिला। अच्छा हुआ, अब हम राक्षस के राक्षस ही रहेंगे और कयामत से कयामत तक इंसानों को खाते रहेंगे। एक परी ने हम दोनों भाइयों को लड़ा दिया और हमसे ही हमारे बाबा का तप भंग करवा दिया। नहीं छोड़ूंगा, इसका तो मैं ऐसा बदला लूंगा कि परीलोक भी कांप उठेगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं धरती पर गई तो थी उस राक्षस बालिका का तप भंग करने, पर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने दो भाइयों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा करवा दिया, एक भाई का दिल तोड़ दिया। मुझे भी प्यार हो गया। तुम धरती पे गई थी अपना कर्तव्य निभाने, अपना परीलोक बचाने। एक फरिश्ता होने के नाते ये समझ सकता हूँ, पर वो सब बीत चुका है। अब तुम मेरी पत्नी हो तो मेरे लिए भी तुम्हारे कुछ कर्तव्य बनते हैं ना, उन्हें भी निभाओ। क्योंकि आज की रात फिर कभी नहीं आएगी और इतनी मोहब्बत शायद मैं फिर कभी ना कर पाऊं। क्या लगा, सपना देख रही हो? हाँ, हकीकत। और हकीकत यह है कि मैं प्रथम ही हूं और भेष बदल के पहले तुमसे शादी और फिर सुहागरात। ये तो अनहोनी हो गई, पर होनी को कौन डाल सकता है। रात को शगुन भी मिल गया, हमारी शादी भी हो गई और सुहागरात भी। वैसे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, तुम्हारी आंखों से भी कई ज्यादा खूबसूरत थी वो रात। वाह वाह, आप उठे, आप यहां आए तो देवलेखा के साथ वहां कौन है? नफरत करती हूं मैं तुमसे, छोड़ूंगी नहीं। वैसे कहते हैं कि अगर किसी खूबसूरत लड़की से बदला लेना हो ना तो उसके जिस्म को सजदा करो, उसको सबसे पहले एक शीशे में उतारो, उसके बाद एक शीशे की तरह उसका दिल तोड़ दो, ऐसे चकनाचूर कर दो। ऐसे ही किया था ना मैंने।
सच कहते हैं सब, तुम राक्षस जहन्नुम की आग में जलने के ही लायक हो। मैंने सुना है कि तुम परियों के आंसू जब धरती पे गिरते हैं तो मोती बन जाते हैं, हाँ? और मुझे लग रहा है आज तो मोतियों की बारिश होने वाली है, नहीं? क्या लगा तुम्हें? तुम मेरे भाई को धोखा देके चली जाओगी और मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे बाबा का बरसों का तब तुमने भंग कर दिया। मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा ऐसी। अरे हम राक्षस से राक्षस, ना मैं अपने भाई अश्वत जैसा हूँ जो प्यार में धोखा खा के मजनू बन जाए, ना ही मैं अपने बाबा जैसा हूँ जो इंसान को माफ करता जाए। नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं प्रथम हूँ, प्रथम। प्यार करूं तो टूट के और बदला लूं तो दुश्मन को तोड़ के। अरे मेरे बाबा जो कर रहे थे वो हमारे राक्षसों की मदद के लिए कर रहे थे, लेकिन तुम परियों को हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती ना, हमेशा हमारा हक छीनने आ जाती हो, लेकिन अब नहीं। मैंने जो किया वो गलत था, पर तुमने जो किया वो पाप है। मैंने अपना कर्तव्य निभाया और तुमने मुझे धोखे से पाया। सही कहा तुमने, हाँ परी हूँ मैं, आग की नदी हूँ, किनारे ही चल नहीं तो जल जाओगे। एक लड़की को धोखे से हासिल करके तुम्हें जीत महसूस हुई और खुद को ताकतवर कहते हो, छी शर्म करो। अब मेरी हस्ती, मेरा रोम रोम, मेरे लहू का हर एक कतरा तुम्हें श्राप देता है कि जिसके गुरूर को तुमने मारा तुम उसी के हाथों मरोगे। एक औरत की बद्दुआ के सामने तारे सितारे ग्रह नक्षत्र सब बदल जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है, तो फिर तुम क्या ही कर लोगे? तुमने मेरे आत्मसम्मान को चीरा, अब मैं तुम्हें चीर के रख दूंगी। ये मुझे छूने के लिए ये मेरे आत्मसम्मान की हत्या करने के लिए। मैं जानती हूं तुम नहीं मरोगे क्योंकि राक्षस कभी नहीं मरते, इसीलिए मैं तुम्हें धरती के नीचे दफन कर दूंगी। ये मेरा श्राप है इस धरती पर, जहां तुम्हारा खून गिरेगा तुम वहीं दफन हो जाओगे और वहां से तब तक बाहर नहीं आ पाओगे जब तक सही वक्त ना आए, जब तक पूरा ब्रह्मांड न चाहे, जब तक तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे किसी अपने का शरीर न मिल जाए, तब तक तुम्हारी आत्मा धरती के नीचे भटकती रहेगी। इस बार धरती पर मोती नहीं, तुम गिरोगे। दुनिया में सबसे ज्यादा शापित होता है प्यार, एक राक्षस और एक परी का प्यार। कुछ लोगों ने इस प्यार को नफरत से देखा तो कुछ ने इसे चाहत से। उन लोगों को अगर कोई जज्बा जोड़ सकता था तो वो था प्यार, और वो भी नफरत में बदल गया था।